Dear students, I welcome all of you with Islamic greetings. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today our topic is helping verb. किस टेंस में कौन सा helping verb इस्तेमाल होता है? आज मैं आपको easily बताऊंगा ये कैसे याद रहेगा. पहले ये टेंस क्लियर होना चाहिए. आपको कोई कहेगा टेंस किसे कहते हैं, इसमें क्या क्या मेन चीजें, आपको पहले याद रहना चाहिए. थोड़ा रोशनी डालेंगे. टेंस में आता है टेंस टाइम को कहते हैं. टाइम और वर्क, टाइम और वर्क टेंस में क्या है, टेंस टाइम को कहते हैं और काम भी आते हैं. मैं लिखता हूं इस वक्त, यानी वक्त भी आ गया और काम भी आ गया. लिखता हूं, काम भी आ गया. क्या करता हूं, लिखता हूं. मैंने खाना खाया, वक्त भी आ गया. कब खाना खाया, मैंने खाया. काम क्या आ गई, खाना खाना. दो चीजें आती है, एक आता है टाइम और एक आता है वर्क. देखो टाइम में तीन चीजें हैं. टाइम होगा या आज इस वक्त होगा, या आने वाला वक्त होगा, या पास्ट होगा. देखो या होगा प्रेजेंट, या होगा पास्ट, या होगा फ्यूचर. ये हो गया टाइम. अब वर्क के भी फोर काइंड्स है. मैंने आपको पहले ही बताया वर्क के भी चार काइंड्स है. एक वो काम होती है जो हमें पता नहीं ये इसको कितना टाइम लगेगा, उसको कहते हैं इनडेफिनिट. दूसरी वो काम है जो हम जारी रखते हैं, उसको कंटिन्यू अभी हम कर रहे हैं, उसको कहते हैं कंटिन्यूअस. तीसरा काम वो है जो हमने कंप्लीट किया, जो मुकम्मल है, जो परफेक्ट है, उसको कहते हैं परफेक्ट. चौथी काम वो है जो परफेक्ट भी है और वो भी जारी भी है, उसको कहते हैं परफेक्ट कंटिन्यू. ये वाली दूसरी और तीसरी परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये इजीली याद रहेगा परफेक्ट कंटिन्यूअस. अब देखो कैसे है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गए एक. इसी तरह पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस. इसी तरह ये फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस. यहाँ टेंस है, यहाँ वर्क है, यहाँ टाइम है, यहाँ वर्क है. याद करने की कोई जरूरत नहीं. प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस. ये हो गया टेंस के मुद्दे. अब हम आएंगे आज हेल्पिंग वर्ब पर. मैं ये थोड़ा शॉर्ट करूंगा वीडियो, क्योंकि जब आपको कल एग्जाम आएगा आपको ये वीडियो देखना है. एग्जाम से पहले 2 मिनट आपको वीडियो देखना है और आपको सारे हेल्पिंग वर्ब याद रहेंगे किस टेंस में कौन से हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होता है. देखो हम क्या करेंगे, प्रेजेंट प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, आप खुद लिखो, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस. पहले हम इसका देखेंगे इसमें कौन सा हेल्पिंग वर्ब आता है. हम इस वक्त हेल्पिंग वर्ब बताएंगे, फिर किस प्रोनाउन से कौन सा हेल्पिंग वर्ब आएगा ये हम दूसरे वीडियो में बताएंगे. इस वक्त हम आपको हेल्पिंग वर्ब क्लियर करेंगे. प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू, डज, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज, एम, आर, प्रेजेंट परफेक्ट में हैव, हैज, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हैव बीन, हैज बीन. देखो डू, डज, इज, एम, आर, हैव, हैव, हैज, हैव बीन, हैज बीन. ये सीरियल में याद रखना है. डू, डज, इज, एम, आर, हैव, हैज, हैव बीन, हैज बीन. डू, डज, इज, एम, आर, हैव, हैज, हैव बीन, हैज बीन. ये हो गया प्रेजेंट. दूसरा पास्ट, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट
परफेक्ट पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। देखो इसमें कौन सा हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होता है, ये याद करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, अभी याद ही रखना है। डियर वाज वायर हैड हैड बीन, इस तरह सीरियल याद करना। डियर वाज वायर हैड हैड बीन, डियर वाज वायर हैड हैड बीन, डियर वाज वायर हैड हैड बीन, याद करने की कोई जरूरत नहीं है। फ्यूचर फ्यूचर इंडिफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसमें कौन सा हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल आया गया, देखो विल विल बी विल हैव will have been, याद करने को देखो ऑटोमेटिकली सीरियल में याद रखना है, सारे हेल्पिंग वर्ब सीरियल में याद रखना है। will will be will have been, will have been, will be will have been। एग्जाम से पहले दो आधे घंटा ये वीडियो देखना है कि आपको खुद ब खुद एग्जाम में याद आएगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट present continuous, present perfect continuous, देखो do does is mr was has have been has been, do does is mr have been has been, इसलिए past indefinite past continuous past perfect continuous, did was were had been, did was were had been, इसी तरह future indefinite future continuous future perfect continuous, will be will have been, will be will have been, इसमें shall भी लगता है मगर shall ज्यादा इस्तेमाल नहीं होता है, ज्यादा तो ये will इस्तेमाल होता है। will be will have been, will be will have been, ये हो गई आपको helping verb। किस कौन सा helping verb किस pronoun से इस्तेमाल होता है दूसरे वीडियो में सिखाएंगे हम आपको, और ये मेन चीज जो था पहले वाले वीडियो में हमने कहा कौन किस टेंस में कौन से वर्ब की कौन सी फॉर्म इस्तेमाल होती है वो हमने वीडियो पार्ट वन में कहा। पार्ट टू में हमने कहा हेल्पिंग वर्ब हमने सीखे किस टेंस से कौन सा हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल हो, ये इजी वे। अगर आपको सीखना है किस टेंस में कौन सी हेल्पिंग कौन सी वर्ब की कौन सी फॉर्म इस्तेमाल होती है तो हमने फार्मूला बना के रखी है, वो आप मेरा वीडियो पार्ट फर्स्ट में देखिएगा। दूसरे पार्ट सेकंड में हमने आपको हेल्पिंग वर्ब क्लियर किए, और पार्ट थर्ड में हम इंशाल्लाह रहमान हम आपको कहेंगे किस हेल्पिंग वर्ब किस प्रोनाउन से कौन सा हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होता है, ये आप पार्ट थर्ड में। आज पहले ये क्लियर करो, पहले ये दो चीज़ें आप क्लियर करो, पहले आपको मालूम होना चाहिए किस टेंस से में कौन सा हेल्पिंग कौन सा वर्ब की कौन सी फॉर्म इस्तेमाल होती है, ये पहला चीज़। दूसरा चीज़ किस टेंस में कौन सा हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होता है दूसरा चीज़। अब हम तीसरा चीज़ आपको कहेंगे किस प्रोनाउन से कौन सा हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होता है, ये तीसरे यू वीडियो में आपको बताऊंगा इंशाल्लाह रहमान। मगर मेरी गुजारिश है आपसे, आप अगर ये वीडियो पसंद आया तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और जितने भी आपके दोस्त हैं जो ये इंग्लिश सीखना चाहते हैं टेंस सीखना चाहते हैं उन तक पहुँचाइए। थैंक यू वेरी मच।